नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हमने चर्चा करी थी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स की, उसके बाद डिस्पर्सन के मेजर्स की, और आज हम चर्चा करेंगे स्क्यूनेस और उसके मेजर्स की, यानी कि विषमता के माप क्या क्या हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन द मीन एंड मीडियन फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बैलेंस और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज शिफ्टेड टू वन साइड और द अदर, टू लेफ्ट और राइट। यानी कि जब किसी वितरण का जो केंद्रीय बिंदु है या गुरुत्व बिंदु है वो मध्य में न होकर के लेफ्ट या राइट यानी कि दाएं बाईं तरफ हो, और उसमें माध्यिका और माध्य का मान बराबर नहीं हो, अलग अलग बिंदुओं पर हो, तो ऐसे वितरण को क्या कहा जाता है? स्क्यूड या विषमतापूर्ण वितरण कहा जाता है। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस टेल्स अस द डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि जो स्क्यूनेस के मेजर्स होते हैं वो हमें उसके वितरण यानी कि उसके विषमता की माप मात्रा कितनी है और उसकी दिशा कितनी है, दिशा कौन सी है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके इसी अनुसार सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सममित वितरण होगा, उसमें माध्यिका माध्य और बहुलक तीनों एक ही पॉइंट पे रहेंगे, तीनों बराबर होंगे। इसके अलावा अगर ये माध्यिका माध्य और बहुलक एक दूसरे से जितने दूर दूर होंगे वो उतना ही असममित या स्क्यूड वितरण होगा, यानी कि विषमतापूर्ण वितरण होगा, उसमें ये दूर दूर होंगे एक दूसरे से। अब देखते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सममित वितरण कैसा होता है। तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सममित कहा जाता है यदि फ्रीक्वेंसीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ हैंड्स ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, यानी कि केंद्रीय मूल्य के दोनों तरफ यदि आवृत्तियां समान रूप से फैली हुई हों तो उसको सममित वितरण कहा जाता है। सममित वितरण एक आदर्श घंटी के आकार का होता है, जैसे कि उल्टा यू, नीचे आप देख रहे होंगे उल्टा यू आकार का एक चित्र बना हुआ है, सममित वितरण है। इसमें लेफ्ट साइड की जो रेखा है और राइट साइड की रेखा है, दोनों तरफ की जो कर्व है वो दोनों एक जैसे हैं, सेम टू सेम है। तो पहला है बेल शेप्ड और यूनिमोडल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक ही मोड वाला सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेल टाइप का होता है, यानी कि घंटी के आकार का होता है, और फ्रीक्वेंसीज पहले कम होती हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ती हैं, और उसके बाद वापस से उसी गति से गिरती हैं। तो एक ही मोड होता है, इसमें हाईएस्ट जो पॉइंट है वो मोड को प्रदर्शित कर रहा है, और जो माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों इसी बिंदु पर होंगे, तो ये माध्य माध्यिका बहुलक तीनों माध्यिका बहुलक के बिंदु पर ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको विषमतापूर्ण कहा जाएगा। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड कहा जाता है यदि सभी जो वितरण की आवृत्तियां हैं वो सभी जगह समान रूप से फैली हुई नहीं है, दोनों तरफ जो सेंट्रल वैल्यू है केंद्रीय मूल्य के दोनों तरफ समान रूप से फैली हुई नहीं है, तो उसको स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या असममित वितरण कहा जाता है। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, एल आकार का पॉजिटिव और जे आकार का नेगेटिव शेप, ये चार प्रकार के असममित वितरण होते हैं। अब एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। पहले आप जो चित्र देखेंगे लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड दिया हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मीन आ रहा है येलो कलर की लाइन, फिर ग्रीन कलर या हरे कलर की लाइन आ रही है मीडियन यानी कि माध्यिका, और लास्ट में आ रहा है ब्लू कलर की लाइन में मोड। तो लेफ्ट स्क्यूड यानी कि बाईं ओर विषमित या बाईं ओर झुका हुआ कर्व है ये। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपका आधा हिस्सा है वो मीडियन जो होता है 50% को बताती है, तो 50% वाला हिस्सा है वो कर्व के लेफ्ट की तरफ रह गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड। इसके अलावा जो दूसरी तरफ दिया हुआ है राइट स्क्यूड या दाईं ओर झुका हुआ विषमित असममित वितरण, तो इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहा जाता है। इसमें क्या है, मीन सबसे बड़ा होता है, मीडियन उससे छोटी और मोड सबसे छोटा होता है। तो आप देख रहे होंगे जो मोड है वो शुरुआत में आ गया है, उसके बाद मीडियन आ रहा है, फिर मीन आ रहा है राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड में। तो जब मीन का मान मोड से और मीडियन से बड़ा होता है तो उसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है, और यदि मीन का मान मीडियन और मोड से छोटा होता है तो नेगेटिव स्क्यूड होता है, उसको लेफ्ट स्क्यूड भी कहते हैं और पॉजिटिव स्क्यू को राइट स्क्यूड भी कहते हैं। तो ये दोनों चित्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक बार आगे बढ़ते हैं, अब सरसरी नज़र में एक बार देख लेते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड वाले का। राइट साइड की जो रह गए या दाईं तरफ की जो पूंछ है वो लंबी है बजाय कि बाईं वाले के, तो इसमें मीन सबसे बड़ा है,
फिर मीडियन है दूसरे नंबर पे, सबसे छोटा मोड है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड का चित्र हो गया जिसमें कि, अब नेगेटिवली स्क्यूड वाले में बाईं तरफ की पूंछ लंबी है आप देख रहे हैं, तो इसमें मेन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ी मीडियन और उससे बड़ा मोड होगा, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड वाला हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले की, एल शेप्ड पॉजिटिव स्क्यूड। तो एल आकार का, तो जो चित्र देख रहे हैं आप वो एल आकार का बना हुआ है, और इसमें क्या होगा, मीन मोड से भी छोटा होगा और मीन मीडियन से भी छोटा होगा, तो दोनों से छोटा है, तो इस केस में ये एल आकार का पॉजिटिवली स्क्यूड वक्र हो गया है। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव एल आकार का पॉजिटिवली स्क्यूड वक्र। अब नेक्स्ट है आपका जे आकार का, तो ये जे आकार का नेगेटिव स्क्यूड वक्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये उल्टा एल आकार का हो रहा है, यहाँ जो मीन है वो मोड से भी बड़ा है और मीन है वो मीडियन से भी बड़ा है, तो दोनों से अलग अलग रूप से बड़ा है, तो इस केस में ये जे आकार का नेगेटिवली स्क्यूड वक्र होता है। तो जब भी आपके सामने चित्र के रूप में प्रश्न आते हैं तो आप उनको देख करके अनुमान लगा सकते हैं। टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि स्क्यूनेस की जाँच के कौन कौन से तरीके हैं। तो इन ऑर्डर टू असेंस वेदर ए डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड और नॉट, द फॉलोइंग टेस्ट में बी अप्लाइड। यदि स्क्यूनेस उपलब्ध मौजूद है कि नहीं है, यानी कि विषमता किसी वितरण में है कि नहीं, उसकी जांच के लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो पहला है वैल्यू ऑफ मीन मोड मीडियन डू नॉट कंसाइड, यानी कि माध्य माध्यिक और बहुलक का मान समान नहीं होता है तो वहाँ विषमता पाई गई है। वेन द डेटा आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ दे डू नॉट गिव ए नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व फ्रॉम वे कट अलोंग ए वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द टू हाफ्स आर नॉट इक्वल, यानी कि यदि डाटा को ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है, ग्राफ में दर्शाया जाता है, तो उससे एक घंटी के आकार का सामान्य वक्र प्राप्त नहीं होता है तो वो स्क्यूड होगा। द सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द मीडियन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम द मीडियन, यानी कि माध्यिका से लिए गए विचलन, यानी कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन यदि बराबर नहीं होते हैं तो वो विषमता वहाँ पर उपलब्ध है, यानी कि मौजूद है। क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन, यानी कि माध्यिका से लिए गए, आपके माध्यिका से पहला वाला क्वार्टाइल यानी कि चतुर्थक और तीसरा क्वार्टाइल यानी कि तीसरा चतुर्थक समान दूरी पे अवस्थित नहीं होंगे, तो उस केस में वितरण में विषमता पाई जाती है। और एक लास्ट है फ्रीक्वेंसीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेविएशन फ्रॉम द मोड, तो जो बहुलक है उसके संदर्भ में जो आपकी आवृत्तियाँ हैं वो समान रूप से वितरित नहीं है, तो उस रूप में भी विषमता का जानकारी हमें मिल जाता है। तो अब देखते हैं मीजर्स ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि स्क्यूनेस को मापने वाले कौन कौन से तरीके या मीजर्स हैं या माप हैं। तो चार मीजर्स हैं, चार माप हैं। द मीजर ऑफ स्क्यूनेस आर कार्ल पियर्सन का कोफिशियंट, बाउले का कोफिशियंट और केली का कोफिशियंट। तो इसमें ये तीन मीजर्स तो ये हो गए कि स्क्यूनेस के कार्ल पियर्सन, बाउले और केली के, और एक है मूवमेंट्स मेथड यानी कि आघूर्ण मेथड। तो पहला जो कार्ल पियर्सन कोफिशियंट है स्क्यूनेस का, उसका फॉर्मूला हमारे सामने दिया हुआ है जो कि कार्ल पियर्सन ने बनाया था या उन्होंने दिया था, तो एस के पी से इसको प्रदर्शित करते हैं। स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन बराबर होता है मीन माइनस मोड बटे सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ माध्य में से बहुलक माइनस करना है और उसको भाग देना है स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी से। तो एस के पी कार्ल पियर्सन का कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस एंड सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन स्क्यूनेस का कार्ल पियर्सन का मेजरमेंट ज्ञात कर सकते हैं या कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। इस फॉर्मूले को बदल भी जा सकते हैं, जब मोड ज्ञात करना संभव नहीं होता है तो उस केस में अगर हम चेक करना चाहें तो इसको बदल के भी यूज करते हैं। तो उसमें मोड का जो फॉर्मूला है हमारा असममित वितरण का, तो वो देख लेते हैं। मीन माइनस थ्री मीडियन माइनस टू मीन बटा सिग्मा, तो यहाँ आपका हो जाएगा थ्री मीन माइनस मीडियन बटे सिग्मा। तो ये आपका तीन बार आ जाएगा कोष्टक से, और मीन माइनस मीडियन को तीन से गुणा करेंगे और फिर सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग देंगे। तो द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट स्क्यूनेस इज जीरो व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। तो जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एस के पी का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वितरण में
विषमता या स्क्यूनेस विद्यमान है। नॉर्मली दिस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन प्लस वन। इफ द मीन इज ग्रेटर देन द मोड देन द कोफिशियंट स्क्यूनेस विल बी पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। यदि मीन जो है वो मोड से बड़ा होगा तो उस केस में ये पॉजिटिव आएगा, और यदि मीन मोड से छोटा होगा तो इसका मूल्य नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मीन और मोड दोनों के आधार पर ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है। इसके बाद देखते हैं बाउले का कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि बाउले का स्क्यूनेस गुणांक क्या है। तो बाउले ने भी दिया स्क्यूनेस का मेजर, और ये किस पर आधारित है, क्वार्टाइल वैल्यूज या चतुर्थ गुणांकों के आधार पर। तो इस फॉर्मूले को लिखते हैं एस के बी स्क्यूनेस ऑफ बाउले। तो यहाँ Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 बटे Q3 माइनस Q1, तो ये इन्होंने दिया है। यहाँ जो Q है वो क्वार्टाइल को बता रहा है, तो Q3 थर्ड क्वार्टाइल को, Q2 सेकंड क्वार्टाइल को, और Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल को बता रहा है। तो यहाँ Q3 माइनस Q2 किया, और फिर Q2 माइनस Q1 किया, और उन दोनों को वापस आपस में माइनस किया, और नीचे Q3 माइनस Q1 किया। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, बाउले का। इस फॉर्मूले को ऐसे भी चेंज कर सकते हो आप, Q3 प्लस Q1, यानी कि Q3 और Q1 को जोड़ दो और माइनस कर दो दो मीडियन, टू मीडियन या दो माध्यिकाएं, नीचे Q3 माइनस Q1 कर दो। तो इस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि Q2 जो होता है वो माध्यिका ही होती है। द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट स्क्यूनेस इज जीरो इफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि सममित वितरण होगा जिसमें स्क्यूनेस नहीं हो, तो इस कोफिशियंट या इस गुणांक का मूल्य शून्य आएगा, और शून्य नहीं आएगा तो इसका मतलब उस वितरण में स्क्यूनेस या विषमता विद्यमान होगी। वैल्यू यदि जीरो से अधिक आएगा, यानी कि प्लस में आएगा, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, और ऋणात्मक आएगा तो ऋणात्मक स्क्यूनेस होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, केली का गुणांक। तो केली ने जो फॉर्मूला दिया है स्क्यूनेस का, वो किस पे आधारित है, परसेंटाइल और डेसाइल्स पे, यानी कि शतांक और दशमांक पर। तो फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है इसी तरीके से, इसमें दिया हुआ है एस के यानी कि स्क्यूनेस ऑफ केली। तो ये गुणांक का P90 यानी कि परसेंटाइल 90 माइनस 250 यानी कि, और फिर प्लस किया है P10। तो ये वही है जहां हमने Q3 प्लस Q1 किया और फिर माइनस 2Q2 किया, यहां पे इन्होंने P90 प्लस P10 और माइनस 2P50 किया, और नीचे P90 माइनस P10 किया है। तो ये पिछले वाले फॉर्मूले का ही है, इसमें 90 और 10 कर लिया इन्होंने परसेंट का, और वहां पे जो हमने किया वो Q3 और Q1 से किया था। तो यहाँ P90 परसेंटाइल 90वां परसेंटाइल है, P10 10वां परसेंटाइल है, और P50 50वां परसेंटाइल है। और इसी को अगर हम डेसाइल के रूप में देखना चाहें तो वो फॉर्मूला हो जाएगा D9 प्लस D1 कर लो आप, D1 को इन्होंने लास्ट में लिखा है, इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, और फिर माइनस में 2D5 कर सकते हैं, और फिर नीचे D9 माइनस D1 कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला वही Q3 Q1 वाले टाइप का ही है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो D9 या 10वां डेसाइल, 9वां डेसाइल है, D1 पहला डेसाइल है, और D5 5वां डेसाइल है। तो ये दशमक हैं, और दशमक और शतमक के आधार पे केली ने फॉर्मूला दिया है। और अगर SK केली के इस गुणांक का मूल्य आता है शून्य, तो विषमता नहीं उपलब्ध होगी, विद्यमान नहीं होगी, और यदि पॉजिटिव आता है तो धनात्मक विषमता होगी, और यदि ऋणात्मक मूल्य आता है इस गुणांक का तो ऋणात्मक विषमता विद्यमान होगी। जो चौथा मेथड है मोमेंट्स या आघूर्ण वाला, उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।